ये बहुत ही मजे की बनती है। मटन कोयला कढ़ाई और मैं नहीं बना रही, मेरे हस्बैंड बना रहे। अब कटोरी बीच में रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रूना। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ईद का माहौल चल रहा है और आज ईद का दूसरा दिन है, और शायद मैं ये वीडियो कल अपलोड करूँ तो कल ईद का तीसरा दिन हो जाएगा। तो आज हम बना रहे हैं मटन कोयला कढ़ाई, और वो मैं नहीं बना रही, मेरे हस्बैंड बना रहे, जो कि बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनाते हैं। मटन कोयला कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहले 1 कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई में। अब तकरीबन 1/2 kg से थोड़ा ही ज़्यादा मटन है, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, अब इसमें वो ऐड किया है इन्होंने। अब मीडियम फ्लेम पे इनको चलाएंगे ताकि मटन का कलर चेंज हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई करेंगे ये, और मटन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब ये कवर कर लेंगे इनको 3 से 4 मिनट के लिए। तो पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मटन काफ़ी ब्राउन हो गया है, तो गोल्डन लाइट ब्राउन कलर देना है हमें। जैसे ही मटन का पानी ड्राई हो गया, तो 1 गिलास पानी का इन्होंने ऐड कर लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लिया। 5 से 6 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाया तो पानी इसमें थोड़ा सा मौजूद था, तो इन्होंने तकरीबन 1/2 kg इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। लेकिन टमाटर को जो हमने एक टमाटर को एक कट ही लगाया है, 2 हिस्से कर लिए टमाटर के। तो व्यूअर्स, 5 से 6 मिनट के लिए हमने कवर किया था इसको। अब जो टमाटरों की स्किन है वो इस तरह हम रिमूव कर लेंगे, और अब कढ़ाई की इस तरह हम भुनाई करेंगे। तो व्यूअर्स, कोयला कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें दही ऐड करेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए फिर से भुनाई करेंगे। लेकिन हमें ड्राई बिल्कुल नहीं करना, इसकी जो नमी है कढ़ाई की वो बरकरार रखनी है, असल टेस्ट उसमें ही आएगा। कट कट करके भुनाई कर रहे हैं, और इस तरह ट्राई कीजिएगा। मैं तो खाती रहती हूँ उनके हाथ की कढ़ाई। अभी मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो आपको कौन कौन से मसाले चाहिए? अब तकरीबन 2 टेबल स्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे, ये मिक्स करेंगे। वन टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है। पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो बारीक कट करके ऐड करें, लेकिन मैंने बालाज की वजह से इनको कहा था कि आप मिर्च को बारीक नहीं ऐड कीजिएगा, साबित रखिएगा। और साबित लहसुन के दाने ऐड किए हैं, जो कि खाने में बहुत मज़े के लगते हैं, इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारीक कटी हुई अदरक ऐड की है, अब मिक्स किया है अच्छे से। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे। तो कोयला कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ की अभी कमी है। तो लास्ट में हम एक कटोरी रख देंगे, उस पर गरम हम कोयला रख देंगे। आप घी या ऑयल ऐड करें और आप इसको कवर कर लें। 5 से 6 मिनट के लिए आप इस तरह छोड़ दीजिए ताकि कोयले की स्मेल अच्छे से इसमें हो जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो मटन कोयला कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो ये चिकन में भी बना सकते हैं। तो
तो व्यूअर्स जरूर ट्राई कीजिएगा बकरा ईद स्पेशल के लिए बेस्ट है ये रेसिपी की बनी है और मेरे हस्बैंड बहुत प्यार से मेरे लिए ये कढ़ाई बनाते हैं, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी कुकिंग मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।